हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश में जहाँ तक है कि हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है सभी भर्तियों को लेकर के, यहाँ पर एक अपडेट है। देखिए, ADPO PPO की भर्ती में सिर्फ 14% OBC आरक्षण दिया जाएगा और हाई कोर्ट का ये अंतरिम आदेश भी आप देख लीजिए, साथ ही साथ MPPSC की जो अन्य भर्ती हैं उसको भी देख लीजिए। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं एमपी में जितनी भी भर्तियाँ हैं, 27% आरक्षण दिया जा रहा था उसको घटा करके 14% आरक्षण ही दिया जाएगा और तभी भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी उथल फुथल होने वाली है, चाहे एमपी पुलिस हो चाहे बाकी अन्य एग्ज़ाम हो। देखिए, आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस सील नागू, जस्टिस DV पालीवाल ने ADPO भर्ती OBC वर्ग 14% आरक्षण देने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। अंतरिम आदेश का अर्थ आप समझ सकते हैं, इसी के तहत आप भर्ती कर सकते हैं अन्यथा नहीं। युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई OBC आरक्षण संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता शिवम गौतम की ओर से दायर की गई याचिका में देखिए यहाँ पर क्या बात स्पष्ट निकल कर सामने आ रही है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, लोक अभियोजक अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। विज्ञापन के अनुसार भर्ती में OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और है। देखिए, याचिका में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा शाहनी प्रकरण में 50% से अधिक आरक्षण अधिक नहीं होने के निर्देश जारी किए हैं। OBC वर्ग को आरक्षण दिए जाने के कारण 50% से अधिक हो जाएगा, याचिका में कहा गया था। देखिए, भर्तियों में OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। यानी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन रोक का अर्थ ये समझ सकते हैं आप कि भर्ती क्लियर नहीं होगी आपकी। ठीक है, युगल पीठ की सुनवाई करते हुए ये देखिए 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित किए गए, ये देखिए। चलिए, मैं थोड़ा आपको एक और MPPSC से संबंधित ये अपडेट एक और दिखा देता हूँ। देखिए, जो परीक्षा 2020 हुई थी उसके लिए भी यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण ही दिया जाएगा और इसकी जो अगली सुनवाई रखी गई है वो देखिए 22 जून रखी गई है। सीधा सीधा आपका टाला गया है 1.5 से 2 महीना। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ी भी कह सकते हैं सभी के लिए। कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पर, देखिए आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा 14% आरक्षण देने के आदेश पारित किए हैं, तो आप 27% आरक्षण नहीं दे सकते। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, आयोग को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चयन सूची फिर से जारी करनी होगी, जिसका लाभ प्रदेश के सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलेगा। यानी इससे कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा, दोबारा रिजल्ट आएगा, मेंस भी आपका दोबारा ही होना है और यही स्थिति आपकी अदर एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं। चाहे PB एग्ज़ाम ले रहा हो या फिर आप यूं कहें कोई दूसरा एग्ज़ाम ले रहा हो, स्थिति यही है सबकी। MP पुलिस भर्ती को लेकर के भी काफ़ी दयनीय स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्थिति थी आप सभी के लिए स्पष्ट है, तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट दोबारा आएगा, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें, कोई भी किसी भी झांसे में ना पड़े, ये आप तय मान कर चलें। जो भी होगा फिर खैर सामने होगा। ठीक है, चाहे 27 मिले या 14 मिले, ये हाई कोर्ट का आदेश है, उसको कोई भी अभी टाल नहीं सकता। लेकिन अंतरिम आदेश भी कह सकते हैं, ये पूरा फाइनल डिसीजन भी नहीं है, इसकी सुनवाई फिर से आपके अगले 22 जून को होनी है, लेकिन रोक लगा दी है। अब कुछ लोगों का कहना था पुलिस में भर्ती में रोक नहीं लगी है, पुलिस भर्ती को आप क्यों नहीं कह सकते कि रोक नहीं लगी है, क्योंकि 27% बेस पर आप उसको भी भर्ती नहीं कर सकते, वो भी 14% बेस पर ही आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका अंतिम फाइनल डिसीजन। धन्यवाद।